You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साथ में स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों हम लोग ईएमटी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक कॉमन टॉपिक जो वेक्टर एनालिसिस के अंदर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस थ्योरम, कर्ल और स्टॉक थ्योरम के बारे में बात की। इससे जस्ट पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में हमने लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन और क्लोज लूप और ओपन लूप इंटीग्रेशन के बारे में बहुत डिटेल से समझाया था। वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो उससे पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बिना उस वीडियो के आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमने हर एक चीज एक्सप्लेन करके रखी है। ये क्वेश्चन दिया है कि ये एक सरफेस है जिस सरफेस में ए, बी और सी की वैल्यू गिवन है, जैसे कि ये 3D सरफेस है। देखिए ये हमारी डायरेक्शन हो गई x डायरेक्शन, ये हमारी y डायरेक्शन, ऊपर हो गई z डायरेक्शन। ये वाली वैल्यू b है अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के जो पैरेलल वाली सरफेस है उसकी जो लेंथ है वो b है, x एक्सिस के पैरेलल वाली जो लाइन है उसकी लेंथ जो है वो a है, और z एक्सिस के पैरेलल वाली जो लाइन है, जो सरफेस है उसकी लेंथ अलोंग z एक्सिस जो है वो c है इस क्वेश्चन में। तो ये 3D डायग्राम आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, इसी डायग्राम की हम बात करने वाले हैं। इस डायग्राम में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ f इज इक्वल टू, f की वैल्यू दे दी एंड ABC दे दिया, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की तीनों साइड्स के बारे में हमें दे दिया। क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन दिस ओपन लूप इंटीग्रेशन और ओपन लूप वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन। कई बार सिंगल इंटीग्रेशन करके v लिख देते हैं या ट्रिपल इंटीग्रेशन करके dx dy dz लिख देते हैं, एक ही बात है। दूसरा बोला है डिटरमाइन क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए या ये पूछा जाए तो हम दोनों बताने वाले हैं, आप पे जो अच्छे से बने उससे कीजिए, भले ही कोई भी पूछा जाए। अगर आपसे ये पूछा जाए वो आप पे बनता ही अच्छे से, तो आप इसी मेथड से कीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाए लेकिन ये बनता है आप पे, तो उससे कीजिए, क्योंकि आंसर तो दोनों का सेम आने वाला है, और अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो समझ लीजिए कि वेरीफाई हो गई है हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, हम दोनों पार्ट करके बताएंगे और दोनों पार्ट इक्वल आएंगे तो हमारी थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, और अगर दोनों पार्ट इक्वल आ गए तो आप फ्री हो गए कि आपको जो मेथड अच्छी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे इसका आंसर पूछा जाए चाहे इसका। तो सबसे पहले बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप डाइवर्जेंस निकालिए फंक्शन का। तो फंक्शन का हमें अगर डाइवर्जेंस निकालना है तो हमने देखा था कि डाइवर्जेंस जो है डेल ऑपरेटर वो क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई आई वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड आई जेड। यहां से देखिए फंक्शन हमें गिवन है, तो जब हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पहले आई एक्स डॉट आई एक्स वन हो जाएगा, आई वाई डॉट आई वाई वन हो जाएगा, आई जेड डॉट आई जेड वन हो जाएगा, बाकी आई एक्स का अगर आई वाई के साथ करोगे तो जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट, आई एक्स का आई जेड के साथ करोगे तो जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट। में हमने बताया था कि सेम आइडेंटिटी वेक्टर का सेम आइडेंटिटी वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वन, और दूसरे अगर के साथ करोगे जो कि 90 डिग्री एंगल पे है तो उसका जीरो आएगा, क्योंकि दो आइडेंटिटी वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे सीधा डेल अपॉन डेल एक्स इंटू दिस आ जाएगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स वाई प्लस दूसरा आएगा डेल अपॉन डेल वाई इंटू वाई जेड प्लस तीसरा आएगा डेल अपॉन डेल जेड इंटू जेड एक्स। अब हम इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट डाइवर्जेंस हमारे पास आ चुका है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, वाई इसके लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, वाई का डिफरेंशिएशन वन जेड कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, जेड का डिफरेंशिएशन वन एक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे देखिए आपके पास डाइवर्जेंस आ चुका है उस फंक्शन का। अब इस डाइवर्जेंस का अगर हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है तो बहुत आसान है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ दिस डाइवर्जेंस। तो आपको लिखना है डेल डॉट एफ का वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम मतलब dx dy dz। लिमिट कैसे रखोगे, x की लिमिट, x देखिए कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से a तक, मतलब 0 से 1। y कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से b, मतलब 0 से लेके 3 तक। और z कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से c, मतलब 0 से लेके 2 तक। इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसकी वैल्यू कितनी आई है डायरेक्टली लिख देते हैं, y प्लस z प्लस x, ये हमारे पास आ चुकी है। अब तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है।
एक एक पार्ट को समझिएगा। सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां ये वाई कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो आ जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक्स की लिमिट रख दीजिए, एक्स वाली लिमिट थी जीरो से लेके वन तक। अब सिर्फ दो इंटीग्रेशन बचे, एक जीरो से थ्री, एक जीरो से टू, और यहां बचा डी वाई डी जेड। वन रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, वाई प्लस ये जेड हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका वन बाई टू। जीरो से टू, जीरो से थ्री और डी वाई डी जेड। जीरो रखा नहीं क्योंकि जीरो रखोगे तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अब y के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस z इनटू y प्लस 1 बाय 2 इनटू y, और अब y वाली लिमिट रख दीजिए 0 से 3। अब सिर्फ बचा है एक इंटीग्रेशन dz, यहां से वैल्यू रखेंगे तो 3 इनटू 3 ये हो जाएगा 9 बाय 2, ये हो जाएगा प्लस 3z, ये हो जाएगा प्लस 3 बाय 2, और इंटीग्रेशन 0 से 2 और dz। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 बाई 2 तो 6 हो जाएगा। दैट मींस यहां पे बचा है 6 प्लस 3z, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 dz। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 6z प्लस 3z स्क्वायर बाई 2, और लिमिट यहां पे भी 0 लिमिट नहीं रखी क्योंकि 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो 0 से 2, 2 रखोगे तो ये 12 प्लस यहां 2 रखोगे तो 4 अपॉन 2 2 ही आएगा, 2 प्लस 2 इंटू 3 6, और जीरो रखोगे तो पूरा जीरो, दैट इज इक्वल टू 18। तो पहले क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा ये आंसर फाइनली कितना आ गया, ये क्या था, ये हमने वही निकाला था कि डेल डॉट एफ मतलब डाइवर्जेंस का ओपन लूप वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओपन लूप क्लोज लूप एक ही बात होती है, तो इसकी वैल्यू 18 जो कि हम देख रहे हैं बहुत आसानी से आ चुकी है। दैट मीन्स ये ठीक है कि अगर इन दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा जाए या ये पूछा जाए, तो आप तो यही निकालिए क्योंकि ये बहुत ही आसानी से आंसर आ जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, मतलब ये वाला पार्ट निकाल के देखते हैं क्या ये वाला पार्ट भी सेम आ रहा है, देखते हैं। इस पार्ट को समझने के लिए हम सरफेस इसको मार्क कर देते हैं। सरफेस को कैसे मार्क कर देते हैं, जैसे कि ये बाहर वाली जो सरफेस है जिसमें एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें ए, ये बाहर वाली सरफेस, इसे नंबर वन मान लेते हैं। ये वाली जो सरफेस है जिसके लिए y कांस्टेंट है v, इसको सरफेस 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली जो सरफेस है जिसमें कि z कांस्टेंट है, यहां पे ये चूंकि खाली है हमने कुछ लगाया नहीं, इस सरफेस को 3 मान लेते हैं जिसमें z कांस्टेंट है, तो 1 2 3 ऊपर वाली, 1 में जिसमें x कांस्टेंट, 2 में जिसमें y कांस्टेंट, और ये ऊपर वाली 3 जिसमें z कांस्टेंट, फिर इसके बाद 4 जो आएगी वो x के अपोजिट वाली जिसमें x की वैल्यू 0 है, ये 4 हो गई, जिसमें ये y की वैल्यू 20 थी, यहां y की वैल्यू क्या है 0, तो ये वाली हमारी हो जाएगी 5 और नीचे वाली हो जाएगी 6। हम इनको यहां पे बना के बताते हैं, देखिए ये सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है इसको हम 1 मान लेते हैं, ये वाली जो सरफेस है इसको हम 2 मान लेते हैं, ये ऊपर वाली जो सरफेस है इसको हमने 3 माना, ये अंदर वाली जो सरफेस है इसको हमने माना 4, इसके अपोजिट वाली जो सरफेस है इसको हमने माना 5, इस 3 के अपोजिट वाली जो सरफेस है इसको हमने माना 6 सरफेस। इन 6 सरफेस के अलोंग हमें इस फंक्शन f का इंटीग्रेशन निकालना है, और फिर हमारा जो आंसर आएगा उन सभी इंटीग्रेशन को ऐड कर देना है, तो वो आंसर इसके ही इक्वल आना चाहिए। जैसे हम सबसे पहले फर्स्ट सरफेस लेते हैं, जिसमें ये फर्स्ट सरफेस मतलब ये सबसे बाहर वाली जहां पे x इज इक्वल टू a है, जिसकी वैल्यू है 1, a की वैल्यू 1, तो यहां से dx इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, और साथ ही साथ हमें दिख रहा है यहां पे कि y की वैल्यू जो है वो 0 से b तक वेरी करेगी, 0 से b दैट मींस y जो है वो वेरी करेगा 0 से लेके 3 तक, z जो है z वो वेरी करेगा नीचे से लेके ऊपर तक ये पूरे सरफेस में, तो 0 से लेके कहां तक वेरी करेगा, c तक, दैट मींस z वेरी करेगा 0 से लेके 2 तक, इतना भर हमें याद रखना है। साथ ही साथ ये भी देखिए इसके लिए ds की वैल्यू क्या होगी, इस सरफेस पे x तो कांस्टेंट है, मतलब जो सरफेस है वो उसमें इंक्रीमेंट किस साइड हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब वेरिएशन किस साइड होगा, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, मतलब dy dz, तो हम लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू है dy dz, और इसका जो नॉर्मल होगा वो किस डायरेक्शन की तरफ होगा, x डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव x, तो ये ix,
तो फर्स्ट अगर हमें इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट सरफेस के अलोंग, तो इतनी चीजें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट सरफेस के अलोंग अब हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, तो हम बात करेंगे, यहां आप फर्स्ट लिखेंगे और लिखेंगे एफ डॉट डी एस। अब हम क्लोज इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब इन सबको, जैसे फर्स्ट के अलोंग जो निकाल रहे हैं, सेकंड के अलोंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे के अलोंग जब हम निकाल देंगे, उन सबको जोड़ देंगे, तो वो बन जाएगा ओवरऑल क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रेशन। तो अभी फर्स्ट सरफेस के अलोंग अगर हम इंटीग्रेट करें, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है यहाँ फर्स्ट के लिए कि एफ की तो जो वैल्यू है वो वही रहेगी, डॉट डी एस की जगह हमें लिखना पड़ेगा डी वाई डी जेड इंटू आई एक्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए f की वैल्यू हमारे पास ये है, इसमें जब आई एक्स का डॉट करोगे तो आई एक्स डॉट आई एक्स वन होता है, बाकी आई एक्स डॉट आई वाई जीरो, आई एक्स डॉट आई जेड भी जीरो हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि डी वाई डी जेड है इसलिए आपको डबल इंटीग्रेशन लगा देना है, तो डबल इंटीग्रेशन हमने लगा दिया और सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स वाई आई एक्स डॉट आई एक्स वन हो जाएगा, एक्स वाई डी वाई डी जेड। वाई कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, जीरो से थ्री तक, जेड कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, जीरो से टू तक। ये वन इंटीग्रेट, वन क्या शो कर रहा है, एस वन लिख दीजिए इससे अच्छा, जिससे आपको याद रहे कि पहली सरफेस है, वन चाहो तो वन लिख सकते हो। अब आप देखिए वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आपका हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई टू, और लिमिट अब बची जीरो से टू, ये जीरो से थ्री वाली लिमिट हो चुकी है, क्योंकि वाई की जो थी वो जीरो से थ्री थी। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जब थ्री रखोगे तो नाइन बाई टू, तो ये आ जाएगा नाइन एक्स बाई टू, और इंटीग्रेट जीरो से टू डी जेड। एक्स की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू क्लियरली कितनी थी, वन थी, तो एक्स की वैल्यू जब वन पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वन का मल्टीप्लाई होगा, तो यही कहे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा नाइन बाई टू जेड, और जेड की जब वैल्यू रखेंगे, लिमिट रखेंगे कहां से कहां तक, जीरो से टू, टू रखेंगे तो ये नाइन आ जाएगा, और जीरो रखेंगे तो जीरो रहेगा, नाइन माइनस जीरो जीरो। तो आप लिख सकते हो कि पहले सरफेस के लिए इंटीग्रेशन जो है वो कितना आ गया है हमारा, नाइन आ गया है। यहां पे हम लिख दे रहे हैं S1 के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू 9 आ चुकी है फर्स्ट सरफेस के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड सरफेस की। जब हम सेकंड सरफेस की बात करें, देखिए ये प्रोसेस लॉन्ग है थोड़ा, इसीलिए हमने बोला था इजी वाला पार्ट ये है, दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा। सेकंड सरफेस की बात करेंगे तो सेकंड सरफेस ये है, जहां पे वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है बी, दैट इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है थ्री, तो यहां से डी वाई तो हो जाएगा जीरो। इस सरफेस में वेरिएशन देखोगे तो आप एक्स और वाई के अलोंग, एक्स और जेड के अलोंग वेरी कर सकते हो, इस सरफेस में कहीं भी मूव करोगे तो एक्स और जेड के अलोंग जाओगे, वाई तो कांस्टेंट हो गया, दैट मींस यहां डीएस जो होगा वो डीएक्स डीजेड, और इस सरफेस की जो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी वो क्या डायरेक्शन होगी, आई वाई डायरेक्शन होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, दूसरा निकालना है एस टू के लिए एफ डॉट डी एस, दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स डी जेड, एफ डॉट डी एक्स डी जेड, और ये हो गया आई वाई। अब यहां पे देखिए जरा, जब डबल होगा तो दो इंटीग्रेशन लगा दीजिए, आई वाई की जब डॉट करेंगे आई एक्स के साथ तो जीरो, आई वाई के साथ तो वन, और आई जेड के साथ करेंगे तो जीरो, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, आई वाई डॉट आई वाई वन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन होके कितना बचेगा, y z dx dz, और आई वाई डॉट आई वाई वन हो गया। यहां पे लिमिट अगर हमें देखना है, लिमिट भी देखना है कि देखिए x जो है ये x डायरेक्शन में वेरी हो सकते थे और z, तो यहां पे हम बोलेंगे x जो है वो कहां से कहां तक वेरी होगा, जीरो से a, दैट मींस जीरो से वन, z जो है वो कहां से कहां तक, जीरो से c, दैट मींस जीरो से टू z की वैल्यू। तो इंटीग्रेशन की लिमिट रखेंगे पहले x के लिए जीरो से वन, y और z के लिए जीरो से टू। यहां से देखिए y की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है, कितनी है, y की वैल्यू यहां पे 3 है, तो यहां 3 लिख देते हैं। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3zx, और लिमिट रख देंगे x की वैल्यू 0 से 1, और ये इंटीग्रेशन 0 से 2 बचा है dz। जब 1 रखेंगे तो ये z into 1 z ही रहेगा, 0 रखेंगे तो 0, दैट मींस ये आ गया 3z इंटीग्रेशन 0 से 2 dz। इसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 3z स्क्वायर बाय 2, और लिमिट रख देंगे 0 से 2, दैट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 4, 4 बाय 2, 2, 2 इंटू 3, 6। तो सेकंड जो इंटीग्रेशन आया है वो आया है 6, सेकंड वाला इंटीग्रेशन। अब हम थर्ड सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन चेक करेंगे। देखिएगा जब हम थर्ड सरफेस की बात करें तो थर्ड सरफेस है ऊपर वाली,
तीसरी सरफेस, तीसरी सरफेस में z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है c, दैट इज इक्वल टू 2। तीसरी सरफेस की अगर हम बात करें तो z इज इक्वल टू हमारा कॉन्स्टेंट है c, और जिसकी वैल्यू हमारी जो है वो कितनी है, 2 है। तो यहां से हम देखेंगे कि dz तो हमारा हो जाएगा 0। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं थर्ड सरफेस में, तो थर्ड सरफेस में हम देखेंगे f डॉट ds। अब ds की वैल्यू देखिएगा, यहां पे ds इस तीसरी सरफेस के लिए, तीसरी सरफेस के लिए या तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं मतलब y डायरेक्शन, या इधर x डायरेक्शन, z डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, दैट मींस dx dy। और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की तरफ, तो iz, ये हमें ध्यान रखना। अब देखिए इसका इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा 0, iz का इसमें होगा 0, इसका इसमें होगा तो 1 आ जाएगा, तो दैट मींस यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 0 ये 0, सिर्फ बचा zx और ये बचा यहां dx dy, iz डॉट iz 1 हो जाएगा। x की वेरिएशन कहां से कहां तक है, x यहां पे आप लिख सकते हो x वेरी कर रहा है 0 से 1 तक, और y वेरी कर रहा है 0 से 3 तक, ये तो एक ही बार में लिख सकते हो आप डायरेक्टली कि x वेरी करेगा 0 से 1, y वेरी करेगा 0 से 3, z वेरी करेगा 0 से 2, लेकिन इन तीनों में से कोई दो ही एप्लीकेबल होंगे हर सरफेस के लिए, क्योंकि तीसरी जो सरफेस है वो कांस्टेंट, मतलब कोई भी सरफेस तीसरे वेरिएबल के लिए कांस्टेंट वैल्यू देगी तीसरे वेरिएबल की। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि 0 से 1 और 0 से 3, तो यहां से देखिए z की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट हो चुकी है 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x² / 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की लिमिट 0 से 1 और इंटीग्रेशन अब बचा 0 से 3 और dy। x स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे यहां पे, x की वैल्यू रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ये बचा 0 से 3, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 और 0 रखेंगे तो -0, ये dy हो गया। इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा y, और y की जब लिमिट रख देंगे 0 से 3, तो ये आ जाएगा 3 - 0, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि s3 के लिए जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, इंटीग्रेशन 3 आ गया है। अब जरा हम देखें यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट s4 s5 s6, 4 की अगर हम बात करें, 4 के इंटीग्रेशन में देखें चौथी वाली सरफेस जो है वो अंदर वाली सरफेस है, जहां पे x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 तो dx की वैल्यू 0। अब dx की जब वैल्यू 0 है यहां पे, तो उस अंदर वाली सरफेस पे सिर्फ y और z डायरेक्शन में हम लोग वेरी कर सकते हैं, y डायरेक्शन में और z में, तो y कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से 3, y जो है वो 0 से 3, z कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से 2, x कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम सरफेस की बात करें तो उसमें सिर्फ सरफेस आएगी dy dz, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर वाली सरफेस है तो अंदर की तरफ, दैट मींस माइनस ix, तो ये हमें लिखना पड़ेगा माइनस ix। अब अगर हम f डॉट ds निकालना चाहते हैं s4 के लिए, तो देखिए ds की वैल्यू जो है वो ix है, तो ix डॉट ix क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट मींस हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस x इंटू वाई डी वाई इंटू डी जेड, लेकिन यहां कोइंसिडेंट से x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो जब x की वैल्यू यहां 0 रख देंगे तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर इसका क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम बोलेंगे कि s4 के लिए आंसर क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। सिमिलरली हम s5 को देख लेते हैं, अगर हम s5 की बात करें तो s5 में देखिए, s5 मतलब पांचवी सरफेस, पांचवी सरफेस पे y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, पांचवी सरफेस पे ये वाली सरफेस के लिए y क्या है, 0 है। वेरिएशन किसका होगा, x का होगा 0 से लेके 1 तक, z का होगा 0 से लेके 2 तक, यहां dy जो है वो 0 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा अगर यहां पे ds निकालें तो वेरिएशन किस किस डायरेक्शन में हो रहा है, x डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, दैट मींस dx और dz। इस सरफेस के लिए नॉर्मल कहां जाएगा, अंदर की तरफ मतलब y के अपोजिट, तो ये आएगा माइनस आई वाई, तो ये आ गया। यहां से अगर हम एस फाइव की वैल्यू निकालें एफ डॉट डी एस, तो आप देखिए एफ तो ये है, आई वाई का डॉट करें तो आई वाई डॉट आई वाई यहां वन आएगा, बाकी ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक माइनस साइन, इंटीग्रेशन ये बचेगा वाई जेड और डी एक्स डी जेड, और वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो से वन तक x हो रहा है और 0 से 2 तक z, लेकिन कोइंसिडेंट से यहां पे भी y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये भी हो गया 0।
किस्मत अच्छी है कि यहाँ क्वेश्चन में तीन सरफेस में तो नॉन जीरो मिल रहा है, बाकी तीन में फटाफट जीरो जीरो आने वाला है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है। लेकिन हो सकता था इन तीन में भी नॉन जीरो निकलता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ये वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये वाला पार्ट इजी होता है। इसलिए जब भी डायवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन आए तो ये वाला पार्ट किया करो, भले ही ये पूछा जाए। लेकिन स्टोक्स थ्योरम में अपोजिट है, कर्ल वाला पार्ट आपको टफ पड़ेगा, लाइन इंटीग्रेशन ईजी पड़ेगा। तो यहां से देखिए कि जो S5 की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, जीरो आ चुकी है। अब हम S6 की अगर बात करें, S6 की बात करें तो छठवीं सरफेस, छठवीं सरफेस मतलब नीचे वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस पे z इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस dz इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे x वेरी करेगा 0 से 1 और y वेरी करेगा 0 से 3, x और y वेरी करेंगे। ds अगर लेंगे तो हमें पता है x और y वेरी कर रहे हैं, दैट मींस dx dy z तो कांस्टेंट हो गया नीचे वाली सरफेस पे, डायरेक्शन क्या होगी नीचे की तरफ, नीचे मतलब -iz। अब अगर हम S3 के लिए F डॉट ds निकालना चाहते हैं, दैट विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। देखिए F ये है, ds अब आपके पास ये लिखा हुआ है, iz का iz के साथ डॉट करोगे तो 1 आ जाएगा, बाकी ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0। तो ये माइनस साइन z इंटू x dx dy, x वेरी कर रहा 0 से 1, y वेरी कर रहा 0 से 3। कोइंसिडेंट से देखिए z की वैल्यू है 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। लेकिन जरूरी नहीं है कि फंक्शन आपको हमेशा ऐसा मिले, हो सकता है फंक्शन ऐसा मिले कि आपको 6 के 6 इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़े, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब फाइनली अगर हम बात करें कि क्लोज लूप इंटीग्रेशन की वैल्यू, क्लोज लूप सर्फेस इंटीग्रेशन क्या आया, तो ये 6 के 6, ये छठवां है, तो छठवें का इंटीग्रेशन भी कितना आया, 0। तो 6 के 6 को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 18, जो कि वही आंसर है जो पहले हमने यहां पे निकाला था। दैट मींस हमारा तीसरा आंसर भी आ गया कि डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गई। तो यहां एक ट्रिक याद रख लीजिए कि चाहे तो आपसे क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रेशन पूछा जाए तो भी आप यही निकालोगे, क्या निकालोगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द डायवर्जेंस, क्योंकि ये बहुत इजी होता है निकालना। और चाहे आपसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डायवर्जेंस पूछा जाए तब भी आप यही निकालोगे, आप सरफेस इंटीग्रेशन के क्लोज लूप इंटीग्रेशन पे बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा, आ तो जाएगा, कॉन्सेप्ट सही होंगे तो बिल्कुल निकाल लोगे। तो ये हमारी यहाँ पे डायवर्जेंस थ्योरम हो गई वेरीफाई। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉक थ्योरम में यही बताएंगे कि कैसे ट्रिक से हम वहां पे निकालें और कौन से वाला सॉल्यूशन सही रहेगा, किस मेथड से हम जाएं। तो यहाँ ध्यान रखना, दोनों में से कुछ भी पूछे आपको यही निकालना है, क्योंकि दोनों में आंसर सेम ही आता है। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियो नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।